Now, this is question number 8.26 using the standard electrode potential, clear? Using the standard electrode potential, predict if the reaction between as the following is feasible or not, clear? So, then, what is the reduction potential? So, these values are given in your textbook in tabular form. तो फिजिबल कब होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट हियर ई सेल वैल्यू इफ ई सेल वैल्यू विल बी पॉजिटिव हियर वी कैन से दैट रिएक्शन इज पॉसिबल एंड इफ ई सेल वैल्यू विल बी नेगेटिव हियर वी कैन से दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल क्लियर तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है Fe प्लस 3 एंड I माइनस तो अप टू दिस हियर वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन ये आपको दिया रहेगा Fe प्लस 3 I माइनस और ये सब आपको दिया रहेगा नाउ रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल ये याद रखना है रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल इफ इट्स E0 इज पॉजिटिव रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल इफ इट्स E0 इज अगेन वी कैन से इट पॉजिटिव तो चलो Fe प्लस 3 और ये I माइनस Fe प्लस 2 एंड 1 बाई 2 I2 तो आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए क्लियर हुआ कि नहीं तो 3 से क्या हो जाता है 2 हो जाता है और I माइनस से I2 हो जाता है तो नाउ E redox इज इक्वल टू E0 रिड्यूस स्पेसिस माइनस E0 ऑक्सीडाइज ये क्या है रिड्यूस है और ये क्या है ऑक्सीडाइज है क्लियर तो Fe3 से Fe प्लस 2 है ना ये Fe3 से Fe प्लस 2 और I2 से I माइनस तो दोनों रिड्यूस वैल्यू है तो दोनों रिडक्शन वैल्यू इज गिवन यहाँ पे आप सॉल्व करो हियर मींस वैल्यू इज 0.23 वोल्ट तो नाउ सी अब यहाँ पे E सेल की वैल्यू क्या आ गया तो E redox is equal to positive therefore this type of reaction is feasible अदर ये है ना ये आपका यहाँ पे 3 है और ये 2 है तो 3 से 2 हुआ तो रिडक्शन और ये माइनस 1 है माइनस 1 से 0 हुआ तो दिस वन इज अगेन सी हियर 3 से 2 वन नंबर विल डिक्रीजेस हियर वी कैन से दैट रिडक्शन और यहाँ माइनस 1 से 0 तो वन नंबर विल इंक्रीजेस तो दिस वन इज इट इज नॉर्मली नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ क्लियर तो व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग सी ई जीरो रेडॉक्स वैल्यू तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन सपोज है ना सपोज यहाँ पे क्या आता है अभी आपका देखो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन ये वैल्यू पुट अप करने का ये सब दिया जाएगा तो नाउ सेकंड क्वेश्चन नाउ हियर वी कैन से दैट इन सेकंड क्वेश्चन तो रिएक्शन बिटवीन सिल्वर प्लस एंड कॉपर इज पॉसिबल और नॉट तो चलो रिएक्शन सिल्वर प्लस से सिल्वर होता है कॉपर से कॉपर प्लस 2 ये रिएक्शन ये दिया रहेगा तो ये आपको है ना इट विल बी अगेन मिस गिवन तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू राइट डाउन रिएक्शन तो चलो सिल्वर प्लस है सिल्वर तो ये आपका सिल्वर प्लस से Ag माइनस Cu प्लस 2 से Cu अब सिल्वर प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 एंड 0.34 So this is again we can say given. So this reduction potential value will be again is given. Clear? Solve kiya to 0.46 aata hai. Again we can say that reaction is feasible. Matlab if E cell value will be positive, to reaction is feasible. If E cell value is negative, here we can say that reaction is not feasible. Chalo phir se kya hoga? Now we will discuss between Fe plus 3 and Br minus. To pehle reaction likhna hai. E redox is equal to E0, Fe plus 3 and Fe plus 2. तो ये आ गया अब ये डेटा आपको दिया रहेगा क्लियर आफ्टर सॉल्विंग माइनस आता है तो देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट फिजिबल नॉट फिजिबल मतलब नॉट पॉसिबल क्लियर नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर मींस सिल्वर एंड Fe plus 3 विल बी देयर तो फिर से देखो Fe plus 3 से Fe plus 2 सिल्वर प्लस से सिल्वर तो फिर से आपको डेटा दिया रहेगा वैल्यू निकाला तो नेगेटिव आ गया देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अगेन मतलब रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड Fe प्लस 3 इज नॉट फिजिबल क्लियर फिफ्थ क्वेश्चन ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन एंड Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 आयन यहाँ फिर से रेडॉक्स आया रिड्यूस एंड देन आफ्टर ऑक्सीडाइज ये वैल्यू आपको दिया हुआ है सॉल्व किया तो पॉजिटिव आ गया तो देयरफॉर अगेन तो दिस इज अगेन वी कैन सी इट फिजिबल मतलब यहाँ पे क्या है आपको वैल्यू देखो दिया हुआ है In this way, we have to find out the reaction between Fe plus 3 and I minus is possible or not. तो सबसे पहले आपको reaction लिखने आना चाहिए.
आफ्टर राइटिंग रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला, और ये वैल्यू दिया है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई जीरो, सो दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई जीरो, ई जीरो मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ई जीरो वैल्यू आपको पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिख के देख लेना यह ई सेल वैल्यू विल बी पॉजिटिव और वी कैन से दैट नेगेटिव, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वी कैन से हियर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, करेक्ट। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8.27 नाउ क्या करना है आपको, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हियर वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच प्रोडक्ट विल फॉर्म इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हियर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर एज अ इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे एनोड क्या है, एनोड Ag गिव अस Ag प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, क्लियर। और कैथोड पे क्या आ जाएगा, हियर सिल्वर प्लस, तो सिल्वर प्लस विल बी अगेन मिस लिबरेटेड from we can say that this one मतलब Ag plus NO3 minus will be there, the charge of anode will be positive and charge of cathode will be negative, clear। So here reduction will take place, मतलब whenever we are starting here means electrolysis process, तो anode is related with respect to plus and cathode is related with respect to minus, तो whenever deposition or whenever ionization of silver nitrate will start, then from this Ag plus it will be attracted by this cathode, clear हुआ, so this type of we can say that reaction will take place, here see electron is present on right hand side इसलिए oxidation, left hand side so this one is again we can say that reduction, so this is complete information of question number 1, clear। चलो अब जैसे यहाँ पे बोलूँ aqueous solution of silver nitrate, देखो सॉल्यूशन वही है बट यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज देयर, नाउ वी विल डिस्कस विद प्लेटिनम, तो चलो कैथोड फिर से माइनस एनोड प्लस, हियर मींस सिल्वर प्लस वन इलेक्ट्रॉन सिल्वर, हियर रिडक्शन, तो दिस वन इज रिडक्शन, क्लियर। अब क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो हियर आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, हियर आयनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, here hydroxide decomposition of hydroxide will be occur, other electron in the right hand side pe aata hai, therefore this one is nothing but it is only known as oxidation, now yahan pe kya hai silver electrode hai, idhar pe kya hai platinum electrode hai, iska matlab reaction which is related with respect to anode and cathode this is directly associated with respect to selection of electrode, directly associated with respect to selection of electrode। चलो now dilute solution of sulfuric acid, अब हम लोग क्या लेंगे sulfuric acid using platinum electrode, in dilute sulfuric acid electrolysis of water तो H2O give us H plus and OH minus, ये dilute solution है ना, here H2O give us H plus and then after OH minus, now cathode minus and anode is again we can say that plus, here see on cathode reduction will take place, on cathode reduction and on anode here we can say that oxidation will take place, आपको याद रखना है कि whenever decomposition of water molecule will take place then right hand side water half mole of oxygen and two electron will be generated out, clear हुआ कि नहीं, two electron will be again we can say that generated out, फिर आता है aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode, तो देखो यहाँ पे क्या है CuCl2 after ionization Cu+2 and 2Cl minus will be liberated out, तो sign of cathode will be negative, anode will be positive, ये क्या है तो this is reduction और ये क्या है तो this one is oxidation, clear। So whenever oxidation and reduction reaction will take place, so here cathode, upon cathode copper will be attracted out and upon anode here means chloride will be attracted out, so why chloride will come on anode, because see charge of anode will be again we can say that positive, charge of anode will be again we can say that positive here, clear।
तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी डिस्कस करना है तो ये आपको याद रखने का, क्लियर हुआ कि नहीं? और जैसे देखो अभी मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दूसरा टॉपिक लूं, फॉर एग्जांपल इफ वी विल सी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक, जैसे मैंने NaCl लिया, NaCl, इन केस ऑफ NaCl याद रखना, सी इन केस ऑफ NaCl तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन विल कम। चलो ये NaCl है तो NaCl डाइल्यूट NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl एंड देन आफ्टर मोल्टन NaCl, क्लियर? डाइल्यूट मतलब H2O प्लस NaCl, इधर H2O प्लस NaCl, इधर पे ओनली NaCl। तो सी इन केस ऑफ एनोड, देखो ये क्या है एनोड पॉजिटिव, ये क्या है कैथोड नेगेटिव। तो नाउ इन केस ऑफ डाइल्यूट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी मोर, हियर अमाउंट ऑफ NaCl विल बी मोर एंड हियर अगेन NaCl विल बी मोर। तो व्हेनेवर रिएक्शन विल स्टार्ट देन इन डाइल्यूट कंडीशन तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस एंड फ्रॉम दिस वाटर तो O2 विल डिपॉजिट हियर एंड H2 विल डिपॉजिट हियर। तो why decomposition of H2O will take place? Because this is present in mole amount. Same condition in case of concentrated NaCl. So whenever electrolysis process will start, so ionization of NaCl will take place. So see, Na will deposit on anode. And see, here, इधर पे क्या होगा? Here anode plus. So Cl2 will deposit on anode. And sodium will deposit on cathode. सिमिलरली इधर भी आएगा Cl2 एंड Na, क्लियर हुआ? तब कोई बोले कि विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन हियर इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड एंड मोल्टन हियर सेम प्रोडक्ट विल डिपॉजिट ऑन एनोड एज वेल एज कैथोड। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं सेम प्रोडक्ट, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है सिर्फ टेम्परेचर का। मोल्टन वाले में क्या है टेम्परेचर विल बी मोर, कंसंट्रेटेड वाले में क्या है तो दिस विल बी अगेन वी कैन सी एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, करेक्ट? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वी हैव टू फाइंड आउट विच इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट एंड विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर। जैसे यहाँ पे थ्री कंडीशन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एंड मोल्टन, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। Here displacement, so displacement is associated with respect to power of metal. Displacement is associated with respect to power of metal. तो इसमें क्या करने का देखने का कि कौन सा मेटल पावरफुल है। जैसे बल पहले ही मैंने आपको बताया था जैसे जिंक है एंड CuSO4, तो ZnSO4 एंड कॉपर विल बी देयर। तो ये क्या है तो दिस इज मेटल, दिस वन इज सॉल्ट and this one is salt and this one is metal, clear हुआ कि नहीं? तो देखो here in case this is activity series, ये है activity series of metal, तो देखो ये zinc है और ये आपका क्या है copper है, clear? तो zinc is more powerful as compared to copper, here we can say that zinc is more powerful as compared to copper, मतलब zinc can displace copper but copper cannot displace out zinc. Why? In case of activity series, 13 elements are there. In case of activity series, 13 elements are there. अब देखो ये activity series है, इसी के ऊपर से आपको ये discuss करना है. Clear? तो चलो यहाँ पे क्या करना है? So this is based on relative position of these metal in activity series. तो ये है activity series. This one is nothing but it is only known as activity series. The metal placed lower in the series can displace the metal occupying higher position. Clear work? Occupying here we can say that higher position present as its salt. So based on this, the correct order is we can say that magnesium. सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा? Here magnesium, then after aluminium, then after zinc. And then after iron, and then after we can say that copper will come. So this will be again we can say that arrangement. मतलब ऐसे क्वेश्चन में you have to remember activity series.
और एडॉक्स में ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है, क्लियर। तो आपको पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। इन केस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हियर वी कैन से दैट पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, हियर वी कैन से दैट पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, व्हाइल वी कैन से दैट गोल्ड, ये देखो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, दिस इज हाईली रिएक्टिव एंड दिस वन इज गोल्ड, तो गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। Here we can say that hydrogen square bracket is given. This is non-metal, though we are arranging this hydrogen in case of activity series. आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो you have to remember this activity series. Correct? इसमें इस तरह से लेके चलना है. Now this is question number 8.30. Depict the galvanic cell. Here we have to depict the galvanic cell in which the reaction zinc 2Ag plus Zn plus 2Ag will be there take place. आपको further shows you have to find out which electrode is negatively charged. Clear हुआ कि नहीं? फिर carriers of the current in the cell and individual reaction of each electrode is there. तो चलो इसमें आपको क्या करना है, यदि मुझे ये देखो ये reaction है तो this is electrode, this one is इलेक्ट्रोलाइट, फिर से इलेक्ट्रोलाइट एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोड इज देयर, क्लियर हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर से देखो ये इंटरफेस है, ये जो एक लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस और इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्लियर हुआ? तो चलो जैसे यहां पे मैंने ये फिगर बनाऊ, तो दिस इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर है ना, तो यहां पे क्या लेना है, जिंक लेना है, इधर पे जिंक लेना है, यहां पे सिल्वर लेना है, इधर ZnSO4 लेना है और इधर पे सिल्वर। अब देखो यहां पे क्या जिंक है, कुछ दिया नहीं है, here we can say that ZnSO4, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Ag2SO4 will be there, then see this one is salt bridge, this one is salt bridge and see zinc is connected with silver, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो this is anode and this one is cathode, here charge of anode is positive, चार्ज ऑफ कैथोड इज नेगेटिव, तो मैंने थ्योरी में सब बताया हुआ है, जिंक Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर विल बी देयर, क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो ये ऑक्सीडेशन है और ये आपका रिडक्शन है, क्लियर। एंड व्हेनेवर जिंक एंड सिल्वर बोथ विल कंबाइन विद ईच अदर हियर मींस रेडॉक्स रिएक्शन विल कम, जैसे अभी मैं यहां पे लिखूं ये Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag विल बी देयर, तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन दिस वन इज रिडक्शन, ये कट हो जाएगा, क्लियर हुआ? हियर जिंक 2Ag प्लस एंड 2Ag एंड देन आफ्टर Zn प्लस 2 विल कम, तो दिस इज नथिंग बट इट इज ऑनली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो पूरी फिगर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो फ्रॉम सी लेफ्ट हैंड साइड तो इट इज वी कैन से दैट एनोड है ना, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इधर पे ये LOAN, L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड एंड N का मतलब नेगेटिव, L मींस लेफ्ट हैंड साइड, O मींस ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव, ऐसे ही लेफ्ट का उल्टा राइट, ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन, एनोड मतलब कैथोड और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इज देयर, क्लियर हुआ कि नहीं? तो व्हेनेवर दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ बोथ विल कंबाइन हियर रेडॉक्स रिएक्शन विल बी देयर, क्लियर हुआ कि नहीं? हियर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम वी कैन से दैट एनोड टू कैथोड एंड चार्ज कैरियर सल्फेट आयन विल ट्रांसफर फ्रॉम हियर
सॉल्व दिस मतलब राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इन दिस वे हियर वी कैन से दैट प्रोसेस इज कंप्लीटेड. देखो हियर इलेक्ट्रोड विल डिप इनसाइड ZnSO4 इसको इंटरफेस बोलते हैं. इंटरफेस मतलब लेयर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं. क्लियर हुआ कि नहीं. चलो अब इसके ऊपर से सी ये सॉल्ट ब्रिज है तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है अगर अगर जेली विथ आइदर वी कैन से लेट अमोनियम नाइट्रेट और वी कैन से लेट पोटेशियम नाइट्रेट. हियर वी आर टेकिंग आइदर अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट. तो विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज सल्फेट आयन और एनायन विल ट्रांसफर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. हियर वी कैन से दैट एनायन विल ट्रांसफर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. As time will increases, here mass of anode will decreases, but mass of silver will again we can say it increases. मतलब as time will increases, then mass of cathode will increase and mass of anode will decreases. Because anion will deposit from electrolyte to electrode, and here this cation will deposit from electrolyte to electrode. Clear हुआ कि नहीं? इस तरह से पूरा process चलता है. Clear? So what is salt bridge? So see. The salt bridge is represented with the help of double line and single line will represent here means interface. अब ये पूरा फिगर मैंने पहले ही बताया हुआ है. चलो अब इस पर क्या पूछा which electron is negatively charged. Here we can say that see which electron तो यहाँ पे आपका negative charge आएगा और cathode पे positive charge आता है. तो which electron is negatively charged तो anode will be there. Clear? The carriers of the current in the cell. तो current का से तो silver to zinc in outer circuit. Here silver to we can say that zinc in outer circuit. Individual reaction at each electrode. तो देखो anode है. Zinc से Zn plus 2 2 electron. ये oxidation है. और ये silver plus 2 electron. अब है इसको यदि मैं see. तो this one is oxidation reduction. ये cut हो जाएगा. Cut होने के बाद zinc 2Ag plus 2Ag Zn plus 2 will be there. Clear? इसी को scientifically ऐसे लिखते हैं. Electrode, electrolyte, electrolyte and then after we can say that electrode will be there. Clear? So this is complete information of question number we can say that 8.30. ठीक है?